गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुझे तो आप सब लोग जानते ही हैं, मैं हूं आप सबकी दोस्त दिव्यांशा। और आज हम लोग हैं शिरडी में और अभी टाइम हो रहा है 12:45। कोशिश तो यही है हमारी कि हम 12 बजे वाली आरती अटेंड कर ले, बट लग नहीं रहा कि हम अंदर तक पहुंच पाएंगे, बट एटलीस्ट मंदिर के एरिया में खड़े होकर हम आरती अटेंड कर लेंगे। और चलिए फिर आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ तक मेरे को मोबाइल अलाउड है, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। जय साईनाथ। ये वहाँ से हम लोग आए हैं गेट नंबर 3 पे जाने के लिए। हमको ना ये लोग बता रहे हैं कि टाइम हमारा लेट हो चुका है, अभी और निकलते निकलते हमने 12 बजा दी आरती के लिए। तो हमने कहा कि चलो हम एटलीस्ट मंदिर के आंगन में खड़े होकर आरती सुन लेंगे अगर अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इन लोगों ने बताया कि जैसे हमारे साथ 2 सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग गेट नंबर 3 से चले जाओ, इन लोग की आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी और वहाँ से लोग एंट्री करवा देंगे। तो हम जा रहे हैं गेट नंबर 3 पर, देखें क्या प्रोसेस है, करने देते नहीं करने देते। अच्छा, ये कह रहे हैं अब यहाँ से इधर जाना है, अभी वहाँ से आई हूँ, इधर से कह रहे हैं इधर जाना है। पूरी शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर, ATM भी है, कौन से बैंक का है पता नहीं, बस ATM है। सर्व बैंक कार्ड स्वीकार होगा। ये हम लोग हैं गेट नंबर 3 पर ये लोग कह रहे हैं गेट नंबर 3 पर नहीं है सीनियर सिटीजन्स की एंट्री, गेट नंबर 2 पर है। पर अभी आरती शुरू हो चुकी है तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पर पहले आरती अटेंड कर लें, क्योंकि ये देखिए सामने TV में ना पूरी आरती दिखाई दे रही है, इनके लिए अच्छा ऑप्शन है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा है, आप भगवान जी के आंगन में ही बैठ के आरती सुन रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ना ये लोग कह रहे हैं कि जैसे मैं सोच रही थी कि भाई वस्त्र के ले जाऊँ साईं बाबा के लिए, वो कह रहे हैं 3-3 मीटर की 2 चादरें लगेंगी, बट ये कह रहे हैं कि आप चादर लेकर के यहाँ एक ऑफिस है उसमें जमा करा दो, फिर लकी ड्रॉ होगा और लकी ड्रॉ में अगर आपका नंबर आया तो आपका भगवान जी को कपड़े पहुँचा देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर वो तो कोई सेंस नहीं बनता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 100-100 रुपये वाली चादर ले ली है, छोटी वाली, मैं अंदर ले जाऊँगी, देखते हैं अगर अंदर समाधि पे टच भी करवा दी या भगवान जी को पहनवाने दी तो सही है, नहीं तो फिर हम इसे वापस ले जाएंगे। सर ट्राई कर रही हूँ, बताती हूँ आपको क्या हुआ। नंबर 3 पे की सीनियर सिटीजन्स की एंट्री यहाँ से मिल जाएगी, पर मना कर रहे हैं कि गेट नंबर 2 पे जाना है। तो हम लोग अब गेट नंबर 2 के लिए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन की एंट्री के लिए। तो दर्शन हमारे हो गए हैं, वहाँ पीछे से हम लोग आए हैं दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी पर सीनियर सिटीजन की लाइन से गए तो हम लोग को जल्दी 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 जाने दिया। अभी भी मतलब टाइम लगा है, बट जितनी भीड़ खड़ी हुई थी उसके मुकाबले तो बहुत कम टाइम लगा है। आज सैटरडे भी था, उस कारण भी कह रहे हैं ज़्यादा भीड़ थी। और ये कह रहे हैं ये ऑफ सीज़न का हाल है, सीज़न में तो भगवान जाने क्या होगा, इतनी भीड़। शायद सैटरडे करके आज ज़्यादा भीड़ है, पर अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। वो चादर मैंने आपको बोली थी उन्होंने चढ़ाने नहीं दी, उन्होंने भगवान जी के वहाँ पे टच करवा दिया चादर भी, प्रसाद भी, और हम लोग को दे दी। और बाहर आके डोनेशन काउंटर था तो हमने वहाँ पे चादर सबमिट कराई, उन्होंने वहाँ पे सबमिट करवा ली। तो इस तरीके से होता है। और बाहर आकर के विभूति भी मिल रही थी तो विभूति भी आप वहीं से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और फिर वहीं से इतनी सारी शॉप्स हैं, पीछे मॉल टाइप भी बना हुआ है, बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है शॉपिंग के लिए, तो बहुत कुछ है पीछे आकर के। और फिर ये था गेट नंबर 2 और यहाँ से हम लोग गए थे गेट नंबर 3 के लिए, जो मैंने आपको सुबह रास्ता दिखाया था जाती बारी। और अभी बज गया है 2, मतलब हम लोग 12 बजे पहुँचे थे यहाँ पे, 2 बज गया है करते करते, और जबकि भी हम सीनियर सिटीजन की लाइन से गए थे। बहुत लंबा है, बहुत लंबा है बस, लेकिन बहुत अच्छा हो गया, वी आर वेरी हैप्पी। बनी के तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बनी मत्था टेक रहा था ना नीचे,
तो पंडित जी को अच्छा लगा होगा कि छोटा सा बच्चा मत्थर टेक रहा है, तो उन्होंने हमें आरती का प्रसाद भी दे दिया। साईं बाबा की कृपा हो गई, जय साईनाथ। दर्शन करके आए हैं और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है कौस्तुभ करके, यहाँ पे खाना खाया है। क्वालिटी ऑफ फूड मैं यहाँ पे बोलूँगी बहुत अच्छी थी, मतलब फॉर दैट मैटर जैसे हरी चटनी हो गई, टोमेटो केचप हो गया, मक्खन हो गया, एवरीथिंग वाज प्योर एंड रियल। खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, सफाई भी थी और अच्छा था। बाकी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ यहाँ का, जितना मुझे समझ आया कि ये है कौस्तुभ और यहाँ से वो सामने जा करके वो आपको दिख रहा है वहाँ पे टीन शेड से लगे हुए हैं, वहाँ पे थी मैं जो खड़ी हुई थी उस टाइम शॉप्स के, और यही है जो गेट नंबर 3 है, और ये जो शॉप शुरू होती है ना उससे पहले ही लेफ्ट टर्न होता है और उधर जा करके गेट नंबर 3 आता है। तो ये पूरा ऐसे राउंड है, आप ऐसे जाके गेट नंबर 3 से ऐसे घूम के 2 पे आ जाते हैं, फिर 3 पे जाके 2 पे आ जाते हैं, तो इस तरीके से पूरा राउंड है। और गेट नंबर 5 जो है वो शायद मंदिर के उस साइड है, पीछे की साइड पे। बहुत सारे यहाँ पे फूड काउंटर्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और इधर भी सारे हैं, और होटल्स तो यहाँ पे अनगिनत ही हैं। सोचती कि होटल्स कवर करूँगी बट मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कौन से होटल्स जाऊँ। तो दिमाग में मेरे यही आ रहा है कि ना आसपास कोई एक दो होटल है, जैसे मुझे यहाँ पे MTDC दिख रहा है, ये एक साई विश्वा दिख रहा है, मतलब जितने ये गेट नंबर 3 के पास में होटल्स हैं ना, मैं ये आपको 3-4 दिखा देती हूँ, बिकॉज पास वाले होटल ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं। इस लाइन में बहुत सारे हैं, ये जो पीछे वाली मैंने आपको लाइन बताई थी वहाँ से आकर के ये वाली लाइन में जाके हमारा होटल है। यहाँ भी 4-5 होटल हैं, साई स्पर्श के साथ में ही 3-4 हैं, साई कृपा, साई स्पर्श और भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। तो एक दो मैं इस गली के दिखा दूंगी, एक मैं यहाँ मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर है, और इधर पे जा करके ये MTDC का होटल है, ये वाला MTDC दिखा दूंगी, बट ये मैं कवर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गया, मार्केट मैंने आपको पूरी दिखा दी है, और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं ख़त्म। आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में जो कि होटल्स का है, तब तक के लिए बाय बाय।